हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लास में। फ्रेंड्स, मैंने जो वीडियो बनाया था अभी लगभग 8-10 दिन पहले, उसमें बताया था कि बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, लगभग 2.5 लाख वैकेंसी रेलवे में, जो कि 2021 तक सबको भर लिया जाएगा, और जो 19 में भी वैकेंसी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, जो 19 की वैकेंसी है, फाइनली जो है फ्रेंड्स, वो उसका जो है नोटिफिकेशन भी आ चुका है। देखिए, दिखा रहा है, प्रक्रिया शुरू, रेलवे में 1.5 लाख से अधिक नियुक्तियाँ जल्द होंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका फुल अपडेट आपको हम बताएंगे कि उसकी नियुक्तियाँ क्या क्या है, कौन कौन सा पोस्ट है, और वो वैकेंसी कब तक आने वाली है, नियुक्ति शुरू कब से होगी, और आप ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा, ये आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, 1.5 लाख पद हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, ताकि हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल सके सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अपलोड होने से आपको मिलते हैं, तो फ्रेंड्स यहां पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको फुल अपडेट्स। देश के सभी 21 रेलवे बोर्ड को मिलाकर लगभग 1.5 लाख वैकेंसी निकाली जाएगी। रेलवे बोर्ड की ओर से वैकेंसी निकालने की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने सभी बोर्डों को पत्र भेजकर 14 फरवरी 2019 तक रिक्तियाँ उपलब्ध कराने का निर्देश भी दे दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज है 7 फरवरी, आपको जो है रेलवे बोर्ड जो है रेलवे मंत्रालय यानी पीयूष गोयल जी ने सभी बोर्ड को पत्र भी भेज दिया है, और उसे जो है 14 फरवरी 2019 तक फाइनली जो है कितने रिक्तियां हैं सारे बोर्ड से ये मांगा है। आयोग के अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि नए आरक्षण नियमों के अनुसार रिक्तियाँ मांगी गई है, साथ ही 21 मार्च तक रिक्त होने वाले पदों के विरुद्ध भी भर्तियों का विवरण तैयार करने को कहा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, 14 फरवरी तक जो है 19 के लिए वैकेंसी के लिए पूरा रिक्त मांगा गया है, और साथ ही 2021 तक जो आने वाली वैकेंसी उसका भी पूरा विवरण मांगा गया है। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO ने बताया कि पत्र प्राप्ति के 3000 पद पत्र प्राप्ति के बाद 3000 पद चिन्हित किए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 3000 पद जो है चिन्हित किए गए हैं, यानी जो पद जो होते हैं उसमें जितने तरह के पद, वो पद मिला के जो 3000 तरह के पद हैं, ग्रुप सी डी और सब कुछ मिला के, इस बार जो है नॉन ग्रेजुएट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, अंडर ग्रेजुएट, पैरामेडिकल और लेवल 1 कैटेगरी की भर्ती की तैयारी के लिए प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 14 फरवरी तक जो है वो मांगा गया है सभी जोनों से ये आपको, उसके बाद ये फरवरी के लास्ट तक में, जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है आपका 28 फरवरी तक में ये आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, वैकेंसी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगेगी, एक लाइक बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।